माट में ग्राम सचिवालय का उद्घाटन करने के लिए सांसद हेमा मालिनी पहुंची है। मथुरा के कस्बा सुरीर में सांसद व क्षेत्रीय विधायक ने सचिवालय व कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। क्षेत्रीय विधायक राजेश चौधरी ने अपनी सरकार के कार्यों की जानकारी देते हुए जनता के बीच केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चल रही महत्वाकांक्षी योजना जैसे हर ग्राम पंचायत को मॉडल सचिवालय दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम पंचायत भवन को मॉडल सचिवालय बनाने का आदेश दिया। ब्लॉक नौझील की ग्राम पंचायत सुरीर बिजऊ में मॉडल सचिवालय का उद्घाटन सांसद हेमा मालिनी व माठ विधायक राजेश चौधरी द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने यमुना एक्सप्रेसवे के कट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सांसद को ज्ञापन सौंपा। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। इन्हीं की मेहनत का परिणाम है कि यहाँ बैठ करके इतने सफल कार्यक्रम का आयोजन होता है और रात में यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इतने बढ़िया उजाले में दिन हो जाता है। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का प्रतिफल है। ये स्थान को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जब पिछली बार यहाँ सभा हुई थी, बरसात हो रही थी, घनघोर ध्यान है आपको, और बरसात में ऐसा चमत्कार हुआ, पता नहीं कहाँ से टेंट आ गया, कहाँ से कपड़ा आ गया, पूरे इसमें देखते ही देखते बरसात में टेंट लगा और जिस तरह से सभा का आयोजन होना चाहिए था विधिवत सभा हुई और हमारे चुनाव के प्रभारी संजीव चौरसिया जी विधायक थे पटना से, उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और जैसे ही मैं उस कार्यक्रम को समाप्त करके यहाँ से गया, यही भोजन करके गया था, मुझे ध्यान है अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया। वो अंतिम कार्यक्रम था, यही से सेला बना था, पीछे से कह रहे हैं यही से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था और वो आशीर्वाद का ही परिणाम है कि मैं आप लोगों के बीच में आपके चरणों की सेवा करने के लिए आज विधायक के रूप में खड़ा हुआ। आपके यहाँ मुझे वापस आने का अवसर मिला, इसके लिए राजेश जी को धन्यवाद। मैं पहले भी आई हूँ, पिछली बार भी बहुत सारे कंप्लेंट्स भी थे, लेकिन मैं उसे जैसे सुलझाओ समझ देने आ रही थी, बहुत कोशिश भी किया, बहुत कुछ काम किया भी है। जब से मैं सांसद बनी हूँ काफी काम होते जा रहा है, मुझे खुशी है कि मेरी तरफ से काफी काम हो रहा है, क्योंकि पिछले 60 साल से कुछ भी काम नहीं हुआ जो हमारी सरकार आने के बाद हो रही है। इसकी बहुत खुशी है क्योंकि जब मैं सांसद बनी थी उसी वक्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का अवसर मिला है। लेकिन फिर भी काम उतना नहीं हो सका जितना होना चाहिए। उसके बाद जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, सबसे डबल इंजन सरकार बन गई, तो बस काम एक के बाद एक होता जा रहा है, जो हम सोच ही नहीं सकते थे वो सब होने लग गया है। तो आप लोगों को भी मालूम होगा, पहले 8.5 साल पहले देखो हमारे बीजेपी सरकार आने से पहले कैसी थी हालत और अब कैसी है, कुछ फर्क दिख रहा है ना आप लोगों को? इतनी सारी उपलब्धियां जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, उन सबको आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि कितने उपलब्धियां, शायद कुछ आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा इतनी सब कुछ है, जिसकी वजह से लोग पूरे देश के लोग बहुत ही प्रभावित हैं और बहुत ही सब लोग तारीफ करते हैं हमारे प्रधानमंत्री की। हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ हम लोग नहीं कहते, चरण पूरा विश्व में बात बड़ी है और G20 जो जिसका नेतृत्व पूरा अध्यक्ष हमारे भारत कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, पूरे विश्व में उनका नाम ऐसा हुआ है। तो ये यही एक अमृतकाल कहते हैं, ये अमृतकाल यही अमृतकाल है। इस अमृतकाल में हम सब जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, आप सब लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमारे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ हैं। लेकिन पहले नहीं हो सका, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसे आपको समझना चाहिए, आपको हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप आगे आने वाले समय में भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है,
जो सबका कल्याण करेगी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर किस्म के लोगों के लिए, हर तरफ से विकास की दौड़ बह रही है। जैसे अभी इन्होंने कहा ये जो जगह जहाँ पर अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं ये कूड़ा डाला जाता था, इतना गंदा था, ये पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा? जो पहले भी जो सरकार थी, जिसके विधायक भी थे, कोई जो भी थे, कि वो उनके मन में एक बात आई नहीं कि यहाँ पे भी स्वच्छता हो सकती है। जिसे राजेश चौधरी ने आके इसको देखा और इन्होंने बदलाव, जैसे विधायक बने इन्होंने पूरा इस जगह को इतना अच्छा कर दिया, तो इसका मान रखिए आप, आपका मालूम होना चाहिए इन्होंने किया है, कोई और किसी और ने नहीं किया। और इसके अलावा मैं जब मार्च में मैं चुनाव में राजेश जी के शादी में आती थी यहाँ, सेकेंड टाइम दोबारा जो चुनाव लड़ी थी सर, तब भी आप लोगों ने मुझे देखा है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। उस वक्त हम गाड़ी में जाते थे तो सब बहुत सारी महिलाएं, पेंशन नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, तो बहुत कुछ कहती थी। अभी ये पंचायत ग्रह बन गया है हर गाँव में, ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से आप सबसे जितने भी समस्याएं हैं आप पंचायत में जाकर वहां बता सकते हैं उस ग्रह में, और सब आपका सारा जो भी तकलीफें हैं उसका सब सॉल्व हो जाएगा। तो इतना अच्छा काम भी हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारी चीज हो रही है। और अभी जैसे उन्होंने कहा कि अभी हमारी अभी इन्वेस्टमेंट सबमिट था कल, सब बहुत सारे उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट सब सही मथुरा से और नोएडा से सब आए थे। मैं चाह रही कि पूरा देश से आएंगे, वो पूरा देश से जो आने वाले हैं वो योगी जी के यहाँ फरवरी में जो मीटिंग है उसमें जाने वाले हैं। तो इसमें काफी लोग आए हैं, 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं हमारे मथुरा क्षेत्र में। तो मथुरा का कितना विकास होगा तो बाहर के लोग आकर इंडस्ट्री डालेंगे, है ना? तो इसका मतलब हम लोगों ने पिछले 8.5 साल में इतना विकास किया है, इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कराया है कि लोग अभी आ रहे हैं, और आ रहे हैं इसलिए कि उनको सुविधा और सुरक्षा भी मिल रही है, पहले जो नहीं मिलती थी। पहले मैं जब बात करती थी उद्योगपतियों से कि आप हमारे मथुरा में आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत बड़े कारखाना लगाइए ताकि हमारे नौजवानों को बहुत सारी नौकरी मिलेगी, लेकिन वो लोग डरते थे आने के लिए। अभी इस डर को भगा दिया है हमारे योगी जी ने, उन्होंने ऐसा काम किया है कि गुर्दा कर दी, ये सब खत्म कर दिया है। तो अभी बहुत ही सुरक्षा के साथ आप सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। तो ऐसा कुछ भी गलत बात हमें सुनने को नहीं मिल रहा पिछले कई सालों से, जो बहुत पहले बार बार यही सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया वो हो गया, एंड ये एक डर का एक प्रभाव पड़ता था लोगों के ऊपर। बाहर जो रहने वाले थे वो नहीं आना चाहते थे, अभी सब आ रहे हैं। अभी आपका मालूम है यहाँ जेवर में इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसकी वजह से मार्ग जो है सबसे नजदीक है जेवर के पास, तो यही पहला जगह है जहाँ पर बहुत विकास हो सकता है। और इसके लिए हम लोग बहुत ही कोशिश करके इसको भी इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश करेंगे, बताएंगे, ताकि यहाँ पर भी बहुत सारे कारखाने, बड़े बड़े काम हो और यहाँ के नौजवानों को बहुत सारे नौकरी मिले, हम लोग यही चाहते हैं। और ये बहुत जल्द होगा, जिसके लिए हमारे डबल इंजन सरकार है, साथ में है, और साथ में हम लोग मिलकर बहुत सारे काम आपके पूरा मथुरा क्षेत्र के लिए करेंगे। मैं मेरी तरफ से बहुत कुछ किया है पूरे जनपद में, मथुरा, वृंदावन, और सबसे ज्यादा तो हमारे भगवान कृष्ण की नगरी होने के नाते यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं देश विदेश से, ये देखने के लिए कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थल कैसा है, जन्मस्थल